सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और साथ ही हम करेंगे प्रोडक्ट की रिव्यू। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस पार्सल को हम लोगों ने मीशो से परचेज़ करा है, और बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग काफ़ी सही तरीके से करा गया है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं और आपके साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास ये सीज़र है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और आपके साथ अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको साफ कट कर लिया है, कट लगा लिया है, और अब जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको हम निकाल लेंगे। मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ और एक हाथ से अनबॉक्स कर रही हूँ प्रोडक्ट को, तो आई होप कि लोग समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये एक कपड़ा है, ये एक कुछ कपड़े का जो है मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सो जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं ये एक टी शर्ट है जो कि कुछ इस तरीके के कलर में, नेवी ब्लू कलर में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, लव का सिम्बॉल बनाया हुआ है। तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कपड़े की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये कॉटन लिखा था बट ये कॉटन है नहीं। मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये मेरे को 99 के अंडर में मिला है एंड ये बहुत ही मतलब पहनने को आप एक दो बार के लिए अगर आप पहनना चाहो या विंटर के टाइम के लिए पहनना अगर आप चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। बट अगर आपको मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और अगर आप कॉटन कपड़े के मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो तो इसे आप ना ख़रीदें। बट अगर आपको विंटर के लिए चाहिए, क्योंकि अभी अक्टूबर है और फेस्टिवल्स अगर अभी नवंबर में आने वाले हैं, तो अगर आपको फेस्टिवल्स के लिए चाहिए तो आप परचेज इसे कर सकते हो, इट्स अ गुड चॉइस। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।